अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आप सबकी दुआओं से व्यूवर्स, आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा ईद के फर्स्ट डे आप लोगों ने क्या किया। तो ये जो ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, ये ईद के फर्स्ट डे का है। और मैं जो हूँ पहले रेडी हुई थी, मतलब अच्छे से काफ़ी ज़्यादा मेकअप वगैरह किया हुआ था। उसकी पिक्चर जो है मैं साइड पे अटैच कर दूँगी, आप लोग देखिएगा कि मेकअप कैसा किया था मैंने। और उसके बाद भी मैंने रिमूव कर दिया था। और फिर शाम को हमारा प्लान बना था बाहर जाने का, तो हम जा रहे हैं बाहर। और अभी हम लोग आ चुके हैं जी, शायान को लेकर आए थे हम लोग जॉयलैंड। और इसकी वीडियो मैं पहले भी जो है जॉयलैंड की बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं फुल वीडियो जॉयलैंड की कि कैसा बना हुआ है। तो अभी आप लोग यहाँ देखिए कि इन्होंने फूड कोर्ट जो है ना, ये न्यू लॉन्च किया है। पहले सिर्फ यहाँ पे जॉयलैंड था, और अभी यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो मिल गया था खाने का, और फास्ट फूड, और इसके अलावा स्लैश आइसक्रीम सब कुछ यहाँ पे जो है ना इन्होंने दिया हुआ है। और रश जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों ने कहा था नहीं, आज शयान जो है ना वो ईद अपनी एंजॉय करके रहा है। और बच्चों के जो है ना झूले हैं यहाँ पर, बड़ों के नहीं हैं, खैर बच्चों के झूले हैं। बच्चों को आप लोग यहाँ लाएँ, इंजॉय करवाएं। जो लोग वज़ीराबाद से हैं वो यहाँ पे आएँ और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए अभी जॉयलैंड में मैं अंदर जा रही हूँ, और यहाँ पे आप लोग रश देखिएगा कि कोई भी झूला जो है ना वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम बाद एक झूले में बारी आ रही थी, तो मुझे तो काफ़ी जो है ना वो थोड़े बड़े बच्चों के लगे, लेकिन एक जो राइड थी ना वो मुझे लगी कि इस पे शयान बैठ के ले लेगा और मुझे डर भी नहीं लगेगा, अच्छे से झूला ले लेगा। तो फिर मैंने ले ली थी ये कार जो आप देख रहे हैं सामने ही है, मैंने देखी इसमें छोटे बच्चे बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा चलो इसी में हम भी शयान को जो है ना झूला दिलवा देते हैं। तो फिर अकेले गए हुए थे टोकन लेने, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बारी नहीं आ रही थी। फिर मैं गई और फिर मैं जा के यहाँ पे अकेले गए हुए हैं लेने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने गई तो फिर मुझे तो फ़ौरन से ही मिल गया था लेडीज़ फर्स्ट। आप लोगों को पता है कि लेडीज़ की जो है ना बारी जल्दी आ जाती है, तो अपनी लेडी पावर जो है ना वो यूज़ करके मैंने टोकन भी ले लिया। और उसके बाद आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी फूड कोर्ट में, वहाँ भी अकेले गए तो बारी नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैं गई तो फ़ौरन से आ गई, क्योंकि लेडीज़ का रश जो था वो इतना नहीं, लेडीज़ की लाइन इतनी नहीं थी, जेंट्स की ज़्यादा थी। तो अभी यहाँ हम टोकन लेंगे। फिर मैं एक और झूला मुझे अच्छा लगा वहाँ मैं लेकर गई, लेकिन वहाँ पर ना जो था बच्चा बैठ सकता था, लेकिन उसमें ना जब हमने टोकन डाला तो वो था कि ये वाला झूला शायद ख़राब, तो वो चल नहीं सकता था। फिर मैंने इसको बिठाया इस गाड़ी में, और गाड़ी में बैठा हुआ बहुत खुश हो रहा था, लेकिन फिर भी ये एहतियातन जो है ना मैं साथ ही खड़ी हुई थी, इसको पकड़ा हुआ था कि कहीं बच्चा डर के घिर ना जाए, क्योंकि अभी छोटा है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये। अभी किसी दिन जो है ना, अभी तो हम ईद पे गए थे और रैंडमली हमारा जाने का प्लान बना था, लेकिन किसी दिन जो है ना मैं जाऊंगी और यहाँ पे इसको काफ़ी सारे झूले दिलवाऊंगी, और फिर मैं व्लॉग भी लाजमी जो है रिकॉर्ड करूँगी। अच्छा, बच्चे जो है ना वो झूले लेके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ये भी यहाँ पर खुश हो रहा था, लेकिन रश इतना था कि बस आप लोग जो है ना ईद के दिनों में अगर जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो आम दिनों में अगर आप जाते हैं ना तो फिर रश नहीं होता इतना, लेकिन शाम के टाइम रश होता है यहाँ पे, क्योंकि फैमिलीज आई होती हैं यहाँ और बच्चों को लेकर, तो बच्चे यहाँ के खुश बड़ा बहुत होते हैं, इसलिए यहाँ रश होता है। शयान वजह से पूरी गाड़ी को चेक कर रहा था, और पहले तो बैठते साले उसको चलाने की थी कि मैं इसको चलाऊँ, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और इसके अलावा जी सारा दिन जो है वो वाली रूटीन में आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी, क्योंकि ये बाहर आए थे तो मैंने सोचा बाहर आके तो बाहर का जो है व्लॉग में वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और आप सब लोग ने कमेंट सेक्शन में बताना है आप सबकी ईद कैसी गुजर रही है, और क्या किस किस ने अपनी ईद जो है वो सोकर गुजारी है। वैसे तो सारा दिन जो है ना वो सोकर ही गुजरा था, लेकिन शाम को 10 बजे के बाद ये हम लोग बाहर आए थे, और 10 बजे के बाद आप लोग रश देख सकते हैं। तो ये जी हम झूला लेके फिर बाहर बैठ गए, तो बाहर मौसम इतना प्यारा था, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, और जो है बाहर आउटडोर एरिया में ना बैठकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और ख़ासतौर पे जब मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो यहाँ जो है हम बैठे हुए थे और अपने ऑर्डर दे दिया हुआ था और अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। सो फाइनली हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका था। अभी एक पैक रहता था, मैंने शयान के लिए नगेट्स ऑर्डर किए थे, लेकिन वो थोड़े से लेट हो गए थे, पर मेरा बर्गर जो है वो आ चुका था। इनकी फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग जाए तो लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अल्लाह।
बस आज की वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर और कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।